आज हम लोग मॉर्फोलॉजी के स्टेम सिस्टम को शुरुआत से शुरू। आवाज ब्रेक हो रहा था, आप सुनाई दे रहा है? हेलो, अभी भी ब्रेक हो रहा है? हेलो, मेरी आवाज सुनाई दे रहा है? क्लियर? ब्रेक हो रहा है। अच्छा ठीक है, अभी करो, ठीक है, अभी ठीक हो जाएगा। ये नेटवर्क के वजह से हो रहा था, अभी ठीक हो जाएगा, ये अभी ठीक हो जाएगा। बी देयर। सो हम लोग इस जगह पे थे कि देयर इज अ हाई अमाउंट ऑफ फूड स्टोरेज, हाई अमाउंट ऑफ फूड स्टोरेज, ठीक है। हम लोग कहां पर ही बात कर रहे थे? हम लोग बात कर रहे थे कि मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम पे, मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम पे हम लोग बात कर रहे थे। अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन, दैट इज कॉल्ड पेरिनेशन। अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन, इसको कहते हैं पेरिनेशन। साइबेरियल मॉडिफिकेशन कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन, ठीक है। एरियल मॉडिफिकेशन उसको क्या कहते हैं? कुछ भी नहीं कहते, एरियल एरियल मॉडिफिकेशन। अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन की बात करेंगे तो दिस टाइप ऑफ प्लांट वेयर ग्रोथ इज अंडरग्राउंड, इसको कहते हैं पेरेनियल। इसको क्या कहते हैं? पेरेनियल। दे ग्रोज अंडर अंडर द ग्राउंड, राइट? सो दे ग्रोज अंडर द ग्राउंड टू सस्टेन इन द अनफेवरेबल कंडीशन, ठीक है। नाउ दिस स्टेम प्रोड्यूसेस व्हेन द कंडीशन इज फेवरेबल। सो अनफेवरेबल कंडीशन में जाते हैं, इसलिए इसको पेरिनियल कहते हैं। इसीलिए इस टाइप का प्लांट को पेरिनेशन और पेरिनियल कहते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट को पेरिनेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है, एज बिकॉज दे हैव टू गो फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ पेरिनेशन, सो द अमाउंट ऑफ फूड स्टोरेज इज वेरी हाई इन दिस टाइप ऑफ प्लांट। अब बात यह है कि दिस स्टेम्स आर यूजुअली नॉन ग्रीन। सो स्टेम्स जो है वो नॉन ग्रीन ही होगा। स्टेम्स आर नॉन ग्रीन। समझ में आया? अच्छा, स्टेम्स नॉन ग्रीन होगा, अंडर द ग्राउंड होगा तो नेचुरली लीफलेस होगा। लीफलेस, डू यू अंडरस्टैंड? हेलो, समझ में आ रहा है ना? हेलो। हाँ, सो स्टेम्स आर नॉन ग्रीन होगा, स्टेम्स आर लीफलेस होगा, क्योंकि अंडर द ग्राउंड है। लेकिन इनमें डिफरेंट टाइप का डेवलपमेंट होते हैं। कैसे? लीफ लेस होने से भी स्केली लीव, यानी कि ऊपर में एक कवर होता है, स्केली लीव आर प्रेजेंट। स्केली लीव प्रेजेंट, ठीक है। बड्स एंड क्या नाम है, नोड्स, इंटर नोड्स, बड्स एक्सेट्रा प्रेजेंट। बड्स प्रेजेंट होते हैं इसमें, नोड्स एंड इंटर नोड्स प्रेजेंट होते हैं। नोड्स एंड इंटर नोड्स प्रेजेंट होते हैं इस टाइप की स्टेम्स में। हाँ बोलो। अच्छा, ओके, चलो। सो स्टेम्स आर नॉन ग्रीन, स्टेम्स आर लीफलेस, बड्स, नोड्स, इंटर नोड्स प्रेजेंट। लीफलेस होते हुए भी इसमें कुछ स्केली लीव प्रेजेंट होते हैं। ऑफ कोर्स रूट के, आई मीन सॉइल के नीचे है, इसका मतलब ये नहीं कि इसमें कुछ रूट हेयर वगैरह होगा, ऐसा भी कुछ नहीं है।
नथिंग लाइक दैट, बिकॉज इट इज अ स्टेम जिसमें कोई रूट कैप कैलिपर वगैरह कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। नाउ मॉडिफिकेशन ऑफ द अंडरग्राउंड स्टेम्स वो हम लोग देखेंगे। नाउ लेट अस सी द मॉडिफिकेशन ऑफ द अंडरग्राउंड स्टेम्स। modifications of underground stems, ठीक है। এখন আবি ইস ইসমে देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडिफिकेशंस है। सो व्हाट आर द मॉडिफिकेशंस? द मॉडिफिकेशंस इज लाइक अ, सबसे पहला जो हम लोग मॉडिफिकेशन का बात करेंगे उसका नाम है राइजोम। राइजोम, नाउ व्हाट इज राइजोम? दीज आर कलरलेस, सेम कलरलेस ही होगा, लीफलेस। जो लीफ हम लोग बताते हैं वो लीफ नहीं है, लेकिन कुछ केली लीफ है, लीफलेस पार्ट ऑफ द प्लांट और लीफलेस स्टेम कहते हैं। अंडरग्राउंड स्टेम याद रखना, ये अंडरग्राउंड है, ये राइजोम कभी भी अपर द ग्राउंड नहीं है, सो इसको मिस्टेक मत करना। नाउ व्हाट एक्चुअली इट ग्रोज हॉराइजेंटली towards the soil surface. Rhizome always grows horizontally with soil surface. It grows horizontally टू दी सॉयल सरफेस, ठीक है। मतलब इस तरह से ग्रो करेंगे, ग्रो विद दिस तरह से। तो अगर ये स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो इसका हम लोग किस तरह से एग्जाम्पल को हम लोग तैयार करेंगे। एग्जाम्पल ऐसा बहुत सारे चीज हम देखे हैं जो कि हमारे आस पास में है। सबसे पहले जिंजर, इसको कहते हैं जिंजीबर, इसको कहते हैं जिंजीबर और इट इज कॉल्ड एज जिंजर। इसको कहते हैं जिंजर। जिंजर आप देखो हमेशा हॉराइजेंटली ग्रो करते हैं, ठीक है। उसके बाद आएगा, इसको कहते हैं मूसा। मूसा, व्हाट इज मूसा? मूसा इज द नेम ऑफ द बनाना, बनाना, ठीक है। ये है मूसा। इसके जो अंडरग्राउंड स्टेम है, आप जो आप ऊपर में देख रहे हो, ये एक्चुअली एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ दी स्टेम, लेकिन इसका एक अंडरग्राउंड स्टेम भी होता है, ठीक है। तो उसको कहते हैं राइजोम। उसको क्या कहते हैं? राइजोम। उसके बाद है इसको कहते हैं करक्यूमा। करक्यूमा नाम से घबराना नहीं, करक्यूमा इसको जनरल टर्म्स में कहते हैं टर्मरिक। ये टर्मरिक है, ठीक है, करक्यूमा। इसके बाद फान है और भी बहुत कुछ है, लेकिन हम लोग ये सिंपल सिंपल एग्जांपल लेके चलते हैं। द नेक्स्ट मॉडिफिकेशन इसको कहते हैं कॉर्म। क्या कहते हैं? कॉर्म। कॉर्म ये भी वर्टिकल है, ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है। अब कॉर्म जो है ये वर्टिकल है, इट ग्रोज वर्टिकली। राइजोम ग्रोज हॉरिजॉन्टली, ये ग्रोज वर्टिकली। वर्टिकली है, ब्रांच कुछ भी नहीं है, ठीक है। स्केल, यस, बॉडी में स्केल हो सकते हैं,
इसका एग्जाम्पल होगा ये इसका कोलोकेशिया का मतलब कद्दू, ठीक है ना। हिंदी में, मराठी में, किसी में इसको कद्दू कहते, कद्दू। फिर इसका और एक नाम है जमीन खंद, इसका और इसको कहते हैं जमीन खंद, और जमीन कंद भी कहते हैं, जमीन कंद, ठीक है, जमीन कंद। फिर दूसरी प्लांट है जैसे एमोरफोफोलस हो सकता है, इन दोनों को ही याद रखो, ठीक है। अच्छा, क्रोकस है गया सैफ्रॉन, ये इसको याद रखो, कभी कभार इसका एग्जांपल भी आता है, क्रोकस हो गया सैफ्रॉन, ये भी आपका कॉर्म होता है, ये वर्टिकली ग्रो करते हैं, ठीक है। कॉर्म हो गया। द नेक्स्ट, इस पर आ गया ट्यूबर, ट्यूबर। ट्यूबर क्या है? ये भी ये इरेगुलरली स्वेलन, शेप इरेगुलर है, इरेगुलर शेप, ये भी स्वेलन है, हाई फूड स्टोरेज है, फूड स्टोरेज है इसकी, ये नोड्स एंड इंटर नोड्स में डिवाइडेड है, सारे हैं। इसकी मेन एग्जांपल जो है उसी को बात करेंगे, पोटैटो, नॉर्मल पोटैटो, आलू। ये अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन, इसमें एक खास बात ये होता है, इसमें नोड्स जो है, नोड्स आर प्रेजेंट कॉल्ड आईज, इसको क्या कहते हैं, आईज कहते हैं, ट्यूबर का आईज कहते हैं इसको, ठीक है। तो ट्यूबर हो गया, राइजोम हो गया, कॉर्न हो गया, ट्यूबर हो गया। नेक्स्ट क्या आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, इसको कहते हैं बल्ब, इसको क्या कहते हैं, बल्ब, ठीक है। बल्ब, बल्ब में क्या होता है, स्टेम जो होता है बहुत ही रिड्यूस्ड होता है, वेरी मच रिड्यूस्ड स्टेम, स्टेम दिखने को मिलेगा ही नहीं, ठीक है। नो फूड स्टोरेज, कोई भी इस स्टेम में कोई भी फूड स्टोरेज नहीं होता है, तो फिर क्या होता है, इसमें फ्लेशी लीव्स होते हैं, नॉन फोटोसिंथेटिक फ्लेशी लीव्स, फ्लेशी नॉन फोटो सिंथेटिक लीव्स होते हैं इसमें, फ्लेशी नॉन फोटोसिंथेटिक लिप्स होते हैं इसमें, और द लिप्स कंटेन्स द फूड स्टोरेज, लिप्स कंटेन्स फूड, सो वो लिप्स जो है फूड स्टोरेज करते हैं, ठीक है। फाइब्रस रूट होते हैं इसका, फाइब्रस रूट होते हैं इसका, ठीक है। नाउ बल्ब इज ऑफ टू टाइप्स, यहां लिखेंगे बल्ब जो है वो दो टाइप के होते हैं, क्या क्या, एक है इसमें स्केल होते हैं, स्केल, इसको कहते हैं स्केली, स्केली, लेकिन इस स्केली का दो नाम है, ये भी स्केली ही है, ये भी स्केली, लेकिन इस स्केल का नाम है इम्ब्रिकेट, इस स्केल का क्या नाम है, इम्ब्रिकेट,
और इस स्केल का नाम है ट्यूनिकेट, इस स्केल का नाम है ट्यूनिकेट। दोनों ही स्केली है, इसका इम्ब्रिकेट नाम है, इसका ट्यूनिकेट नाम है। चलिए एग्जाम्पल को देखते हैं, इसी तरह से हम एग्जाम्पल को याद रख सकते हैं। इम्ब्रिकेट है तो इसका एग्जाम्पल होगा गार्लिक, लहसुन, और स्केली ट्यूनिकेट है इसका एग्जाम्पल होगा ऑनियन। क्लियर, बल्ब्स का क्लियर हो गया। तो चार टाइप की हमने डेवलपमेंट देखा अंडरग्राउंड स्टेम में। अंडरग्राउंड स्टेम का मॉडिफिकेशन में फोर टाइप्स है, फोर टाइप्स ऑफ मॉडिफिकेशन हमने देखा। क्या क्या मॉडिफिकेशन देखा? राइजोम, उसके बाद कॉर्म, उसके बाद ट्यूबर, और उसके बाद बल्ब। सो चार टाइप की मॉडिफिकेशन देखा। राइजोम हम लोग किसमें कहेंगे? एग्जाम्पल के तौर पे जिंजीबार, जिंजीबार यानी कि जिंजर। कॉर्म की मॉडिफिकेशन में हमने क्या देखेंगे? कोलोकेशिया, कोलोकेशिया। ट्यूबर की मॉडिफिकेशन में क्या देखेंगे? पोटैटो। बल्ब की मॉडिफिकेशन में क्या देखेंगे? दो टाइप की, गार्लिक एंड ऑनियन। सो देयर आर फोर, मैं एक रफ आइडिया आपको दे रहा हूं। ये होगी आपकी अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन का। आज इतना था कि कंप्लीट करेंगे, कल हम लोग इसके बाद से कंप्लीट करेंगे परसों, ठीक है? थैंक यू स्टूडेंट।